बंगला से नीचे उतर रहे हैं, सांस नहीं लिया जा रहा है, काफ़ी हाइट पे था, बड़ी परेशानी है, पर मज़ा बहुत आया। ज़्यादा देर ना रुके ऐसी जगह पे जब आए, तो यही एक दिमाग में रखे कि ज़्यादा देर नहीं रुकना है अपने को, और फटाफट नीचे की तरफ निकल जाना है जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो। पानी पीते रहें। लैंडस्केप मेरे राइट में है, बस एक कमी है यहाँ, हरियाली और ऑक्सीजन। रेस्ट प्रिमिटिव नेचर एट इट्स बेस्ट। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे डेवरिंग की तरफ। डेवरिंग बोरे प्लेन से पहले एक स्पॉट है, ह्यूमन हैबिटेशन तो नहीं होता, बट सीजन में कुछ कैफे वगैरह खोल लिए जाते हैं, एक्सेप्ट और आर्मी का कुछ कारोबार। ये खूबसूरत सा लैंडस्केप, ब्राउन हिल्स देन ग्रीन या ग्रे हिल्स, ग्रेइश ग्रीन कह सकते हैं, एंड देन स्नो पीक, अमेजिंग। और इसके राइट हैंड साइड में सारे स्नो पीक, और ये सामने डेवरिंग पहुंच गए हैं हम लोग ऑलमोस्ट डेवरिंग, और इसके बाद बोरे प्लेन्स, फिर पांग। और ये भी बड़ी प्यारी सी जगह है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि ये लोग सामने जा रहे हैं और ये सामने से आ रहे हैं, ये कई गलती हो रही है, कई बार ऐसी गलती हो चुकी है। और मैं राइट में भी चल रहा हूँ जो गलत है, इसलिए गलती मेरी है, मुझे लेफ्ट में चलना चाहिए। ये टेबरिंग छोटा मोटा आपको यहाँ पे कैफे मिल जाएगा, और एक चाय पी के ही चलते हैं फिर, मुझे चाय पीना है। सॉरी रोक नहीं सकता मैं अपने आपको, सामने का ये मंजर देख के, बहुत ही प्यारा मंजर है, और इसके बाद हम पांग में रुकेंगे। हम लोग देवेंग में चाय पी के आगे निकल चुके हैं, और आगे चलते हैं मोरे प्लेन की तरफ से। हमने मोरे प्लेन में हमने सिनेमैटिक शॉट लिया है। अब आगे बढ़ते हैं पांग की तरफ, 35 किलोमीटर है पांग, और हम पांग को पार करते चले जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं कहीं, क्योंकि हमें सरचू पहुंचना है।
85 घंटे लगे पान माने में, जबकि चार घंटे में हमें कर लेना चाहिए था इसे, क्योंकि हम लेट निकले थे। बट हम बीच में बहुत रुके हैं, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है। बट आगे अब इसको देखते हैं कैसे पूरा करना है। लगभग 75 किलोमीटर को तय करने के लिए हमें पाँच घंटे कम से कम लगेंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर की स्पीड आती है एवरेज। सरचू से फिर रोड बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद जिस पर पहुँचने में जाता था एक घंटा। पहले ये प्यारा सा नज़ारा सामने, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सारचू अभी 82 किलोमीटर है और पांग है ऐसा ही 3-4 किलोमीटर कुछ होना चाहिए। एक्चुअली पांग से मोरे प्लेन की शुरुआत जो है वो 6 किलोमीटर बताता है, तो 82 माइनस 6 इसका मतलब 76 किलोमीटर जो है हमारा बहुत ही गंदे रोड पे चलना है। ये हम नीचे बहुत ही खतरनाक स्लोप, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हम पांग की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीड मैंने बहुत स्लो कर रखी है, ख़ास करके ऐसी जगह पे जहाँ ग्रेवल्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि उस पर आप अगर ब्रेक लेंगे तो गाड़ी सीधा नीचे जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है और ब्रेक नहीं मारना होता है। एक्सीलेटर तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे ढलान पे, गाड़ी अपने आप न्यूट्रल मोड में कर दें तो भी जाती रहेगी। गाड़ी को बंद कभी मत करें, गाड़ी बंद करते ही स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, फिर आप स्टीयरिंग नहीं घुमा पाएंगे ना ब्रेक मार पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है, बात का जरूर ध्यान रखें। सो अभी हम बहुत कम स्पीड से जा रहे हैं, ग्रेवल्स पड़े हुए हैं, अगर हम फिसल गए ब्रेक मारा और फिसल गए तो दिक्कत होगी। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है हमारा जो आने वाला है सारचू के रास्ते में, गाटा लूप्स, भीषण खतरनाक है वो। और आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड भगवान वहाँ पे जैम ना मिले, अगर जैम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम डाउनहिल ट्रैफिक में होंगे, हमें होल्ड करना पड़ेगा जब तक कि सारी अपहिल ट्रैफिक क्लियर ना हो जाए। तो इसलिए मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ, ग्रेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी कभी भी स्किड कर सकती है नीचे। तो ड्राइविंग के कुछ बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। जब निकल जाएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और ये हेयर पिन बेंड्स, ड्राइव स्लो, बिल्कुल सही कहा है, स्लो ही ड्राइव करना है। सामने से 4-5 ट्रक आ रही है, मुझे जगह देख के रुकना पड़ेगा साइड में, और मैं
लेवल्स पे, बट हमारी स्पीड जो है काफ़ी कम है। अब ट्रक को कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाने में। मुझे इस ट्रक के लिए भी रुकना चाहिए, तो मैं इस ट्रक के लिए भी रुकूंगा। ये सब लाइफ सेवियर्स हैं, बहुत डिफिकल्ट टेरेन में ड्राइव करके और रसद सामान ऊपर पहुंचाते हैं लेह के अंदर। और इनमें से बहुत सी जो गाड़ियाँ होती है, जो ट्रक होते हैं, वो आर्मी वालों ने इंगेज की होती है। आर्मी वालों के राशन और सामान वगैरह लेके भी जाते हैं। आर्मी ड्यूटी पे ऐसे ट्रक्स भी लगे होते हैं। ऑलमोस्ट पांग पहुंचने वाले हैं, एक दो टर्न और, 3 किलोमीटर है पांग। हम पांग आ पहुंचे हैं। पांग में देखिए आप, आर्मी का कैंप है। वो पांग में आपको कुछ एक ऑप्शंस भी मिल जाते हैं रहने के, और टेंट स्टे होता है। कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा यहाँ। ये आर्मी एरिया है, यहाँ हमारा रुकना ठीक नहीं है, हम आगे जाएंगे। ये है वो जगह जहाँ सामने, जहाँ आप रुक सकते हो, चाय, खाना, नाश्ता कुछ भी कर सकते हो यहाँ। और यहाँ पे आपको होम स्टे टाइप की एकोमोडेशन मिल जाएंगी, जो टिन टपरी से बनाई होती है। बट हमने यहाँ रुकना नहीं है और हम अपना नाइटमेयर ड्राइव शुरू करते हैं। आप